हमारे साथ विनीत गहलोत जुड़ रहे हैं, जो चीफ साइंटिस्ट हैं एनजीआरआई हैदराबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विनीत जी। ये बहुत बड़ी तबाही देख रहा है ये जो क्षेत्र है, और अब पता चल रहा है कि बहुत सारे लोग जो नहीं जानते रहे होंगे, आप जैसे लोग तो जाहिर है कि जानते थे, कि जो टर्की का इलाका है वो किस तरह के सीज़मिक जोन में आता है, यहाँ पे भूकंप आने की संभावनाएं ज्यादा क्यों हैं? देखिए, जो टर्की का जो इलाका है वो दो प्लेट के बीच में एक फंसा हुआ इलाका है। मतलब नॉर्थ में यूरेशियन प्लेट है और साउथ में अरेबियन प्लेट है, तो उसके बीच में ये टर्की के जिसको प्लेट कहते हैं, और इसके नॉर्थ में भी और साउथ में भी, नॉर्थ में एक फॉल्ट है जिसको हम नॉर्थ अनाटोलियन फॉल्ट कहते हैं। तो आपको याद होगा एक 1999 में एक इज्मिट अर्थक्वेक, काफी बड़ा अर्थक्वेक आया था जिसमें काफी कई हजार लोग, शायद 17-18 हजार लोग उसमें हताहत हुए थे। तो वो नॉर्थ में बहुत भूकंप आते हैं, और उसके बाद साउथ में जो ये वाला पार्ट है जिसको ईस्ट अनाटोलियन फॉल्ट कहते हैं, जहाँ पे ये दो भूकंप आए हैं, यहाँ पे वो भूकंप ये आते हैं। अगर आप इसको अपने हिंदुस्तान के साइस्मिक जोनिंग मैप से कंपेयर करें, तो ये दोनों इलाके ऑलमोस्ट जैसे कि साइस्मिक जोन 5 है हमारा, जिसमें कि पूरा हिमालय का क्षेत्र आता है, काफी हिमालय का बड़ा क्षेत्र आता है, उस तरह से आप इसको उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे साइस्मिक हजार जो है वो यहाँ पे साइस्मिक जो खतरा है वो कितना ज्यादा है। सीज़मिक खतरा जो है वो ज्यादा है। ये जो भूकंप आया है विनीत गहलोत साहब, वो उसकी जो डेप्थ है वो जमीन की सतह से बताया जा रहा है कि 19-20 किलोमीटर की जो गहराई पे ये भूकंप आया, तो इसका क्या मतलब आता है? जितना ज्यादा गहरा होता है ये इसका जो सेंटर है उससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि ये 19-20 किलोमीटर की जो इसकी गहराई रही है जमीन की सतह से, उसको उसका असर लगभग 2000 किलोमीटर के रेडियस में महसूस किया गया है। बहुत अच्छा सवाल है। आपको मैं थोड़ा सा हिंदुकुश अर्थक्वेक के बारे में बताऊं कि हिंदुकुश में जो अर्थक्वेक आते हैं वो 150-200 किलोमीटर दूर तक की गहराई तक आते हैं, और उनसे कोई नुकसान नहीं होता है, जमीन पे कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन आपको याद होगा, अगर आप दिल्ली में हो तो इनफैक्ट कई बार एक आध बार हैदराबाद तक में, जहां मैं रह रहा हूं उस टाइम, वो भूकंप बहुत दूर दूर तक महसूस किए जाते हैं, बहुत दूर दूर तक। तो जितना भूकंप गहरा होगा वो बहुत दूर तक उसका प्रभाव पड़ेगा, उसकी जो कम जो वाइब्रेशंस हैं बहुत दूर तक जाएंगे, लेकिन डैमेज कम होगा। लेकिन जो भूकंप शैलो होगा, यानी कि जिसका केंद्र बिंदु बहुत कम गहराई पे होगा, उसमें लोकल डैमेज बहुत ज्यादा होगा, दूर तक उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, दूर तक आप उसको फील नहीं करेंगे। तो जितने भी इस तरह के भूकंप होते हैं जो ज्यादा नुकसान करते हैं, वो जनरली उनकी जो 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 केंद्र बिंदु होता है बहुत जमीन की सतह से 15-20 किलोमीटर या उससे भी कम होता है। जी, तो ये हम एक ग्राफिक के जरिए भी दिखा रहे हैं, जो सीज़मिक प्लेट्स की ग्राफिक्स हम दिखा रहे हैं, और आपने बताया कि जो गहराई होती है उसकी, उसका असर कैसे पड़ता है कि दूर तक महसूस किया जाएगा या कम महसूस किया जाएगा। तो अब ये आप हमें समझा दें कि असल में जो भूकंप आ रहे हैं वो अभी जैसे इस इलाके में टर्की और सीरिया का जो बॉर्डर है, वहाँ पर इतने ज़्यादा भूकंप आ क्यों रहे हैं, वो भी इतने ताकतवर भूकंप? और पहले अब पता चल रहा है कि पहले से भी वार्निंग थी कि यहाँ पे एक बड़ा भूकंप आ सकता है, क्या ये मुमकिन भी होता है प्रिडिक्ट करना इस बात को किसी सीज़मोलॉजिस्ट के लिए? आपने तीन सवाल पूछे। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे ये भूकंप क्यों आ रहे हैं, तो उसका जवाब, जैसे यहाँ पे वो आप देख रहे हैं, वो एक ऊपर एक लाइन बनी हुई है जिस पे लिखा हुआ है कि नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं। जो टर्की की जो हिस्ट्री है भूकंप के लिहाज से, वो मेनली नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट के हिसाब से गवर्न होती है, मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। जो ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट है, जो कि साउथ में है, जिसको आप देख रहे हैं, जो कि सीरिया के बॉर्डर, सीरिया, जॉर्डन, फलस्तीन, और अगर और नीचे जाएंगे तो इसराइल, तो वहाँ पे वो है, वो इस वाले इलाके को हम लोग अरेबियन प्लेट कहते हैं। तो ये जो 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 ये वाला जो भूकंप आए हैं, तो सारे भूकंप जितने भी इटली के आसपास, सॉरी टर्की के आसपास के जितने भूकंप हैं, वो सब इन फॉल्ट के करीब आसपास आते हैं। और ये फॉल्ट, जैसे मैंने बताया कि ये इधर अरेबियन प्लेट है, उधर नॉर्थ में यूरेशियन प्लेट है, जो आपको शायद दिखाई दे रहा होगा,
तो उनके बीच में ये अनाटोलियन फॉल्ट प्लेट है जो कि एक तरह से फंसी हुई है, जो कि वेस्ट की तरफ निकलने की कोशिश करती है, वो आपको जो वहां पे एरो दिखा हुआ है, तो जिसकी वजह से सारे भूकंप आते हैं। आपका जो दूसरा सवाल था कि क्या इन भूकंप को किसी ने कहा कि इनकी भविष्यवाणी की गई थी या किसी ने जी बताया था कि यहाँ पे भूकंप आने की संभावना है। मेरे को नहीं लगता कि अभी तक हमारे पास कोई साइंटिफिक ऐसा कोई तरीका है। हम ये जरूर जानते हैं कि यहाँ कौन से इलाके हैं जहाँ पे भूकंप आने की संभावना ज्यादा हो सकती है, वो भूकंप कितना बड़ा हो सकता है, लेकिन वो कब आएगा, कैसे आएगा, किस टाइम पे आएगा, उसका अनुमान लगाना अभी तक तो संभव नहीं है। मैंने भी देखा है वो एक व्हाट्सएप मैसेज जो अक्सर सर्कुलेट हो रहा है कि किसी ने साहब बताया था कि वहां पे, मेरे को लगता नहीं कि उसमें कोई वैज्ञानिक तर्क है, क्योंकि ऐसे ये इस तरह की चीजें हैं कि अगर बोल दिया हो गया तो हम सब लोग बात करेंगे, अगर नहीं हुआ तो हम लोग भूल जाएंगे, जी तो उन चीजों पे ध्यान देने की शायद जरूरत नहीं है। बस सिर्फ ये हो सकता है कि ये जरूर है कि कुछ कुछ जो इलाके होते हैं, कुछ जो क्षेत्र होते हैं, वो ज्यादा सीज़मिक प्रोन इलाके होते हैं। जैसे दिल्ली एनसीआर में ही अगर हम देखें तो कुछ प्लेट्स हैं, जैसे अरावली प्लेट जो है वहाँ पे वो ज़्यादा स्टेबल मानी जाती है, और जैसे जिन इलाकों में गुड़गांव है और वो बसा हुआ है वहाँ पे वो ज़्यादा सीज़मिक एक्टिव जोन है। बिल्कुल, जो दिल्ली की बनावट है वो आपने सही कहा है कि एक दिल्ली, हम उसको दिल्ली अरावली फोल्ड बेल्ट कहते हैं। अगर आप दिल्ली से उदयपुर से की साइड में जाएं, वो हाईवे पकड़ें, तो आपको दिखेगा सारे आप माउंटेनस रीजन को क्रॉस कर रहे हैं, उसके थ्रू जा रहे हैं, तो वो उसको हम लोग दिल्ली अरावली फोल्ड बेल्ट कहते हैं। वो एक पुराना एक जोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, वो कोई प्लेट बाउंड्री नहीं है। ये अक्सर लोग थोड़ा इसमें भ्रम में पड़ जाते हैं, तो इसलिए हम लोग सीरिया या तुर्की का जो क्षेत्र है जहां पे भूकंप आए हैं, उसका इससे इससे कंपैरिजन नहीं किया सकता, क्योंकि दिल्ली एक प्लेट बाउंड्री के इलाके में नहीं है। ये प्लेट विद इन प्लेट है, प्लेट के अंदर एक पुराना स्ट्रक्चर है जिसमें कि कभी कभी वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें कि छोटे और छोटे या मॉडरेट साइज के कभी कभी भूकंप आते हैं, जी तो उसका उस तरह का तो नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात आपकी सही है कि कुछ इलाके दिल्ली में हैं जो जिसमें कि ज्यादा भूकंप, छोटे छोटे भूकंप आते हैं। जी जी बहुत धन्यवाद आपका विनीत गहलोत हमें समझाने के लिए। और ये भी बात साफ है कि इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ ये जरूर है कि कुछ इलाके हैं जहां पर भूकंप की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, कुछ में कम है, और भूकंप की जो तीव्रता है वो किस वजह से बढ़ती है वो भी आपने बताया। तो धन्यवाद आपका इस वक्त इस पर हमें चर्चा करने के लिए। भूकंप से तुर्की और सीरिया में काफी तबाही मची हुई है, दूर दूर तक इसका असर देखा गया है इस विनाशकारी भूकंप का, और राहत का काम भी चल रहा है। भारत ने अपनी तरफ से मदद भेजी है, बचाव का काम चल रहा है। इस बचाव के बीच में बाधाएं आ रही हैं बर्फीले तूफान और मौसम की वजह से।